प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत। आज का संदेश प्रभु के दास एंटीगो सोरेट से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु में प्रेमी सलाम। सुबह की हमारे अध्ययन के लिए हम यूहन्ना की सुसमाचार अध्याय 8 कलम 23 और 24 पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करेगी कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के ऊपर आशीष दे। हम हमारे पापों से मुक्ति पाने के लिए यीशु मसीह पर विश्वास किया है। यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमारी पापों की क्षमा हमको मिलते हैं, पापों से हम बाहर आ जाते हैं, पापों की बंधन से हमको छुटकारा मिलता है। ये है, यहाँ प्रभु अपने सामने खड़े होने वाले सारे यहूदियों को और सारे विरोधियों के सामने प्रभु कहते हैं कि तुम क्यों तुम्हारे पापों में मरोगे। कारण हम प्रभु स्पष्ट बताते हैं कि प्रभु यीशु कौन है और कहाँ से आया और किस कार्य के लिए आया। ये विषय पर यहूदी विश्वास नहीं किया और प्रभु यहाँ बताते हैं, मैं स्वर्ग से आया हूँ और तुम लोग नीचे से, तुम लोग धरती के ओर से है। मैं स्वर्गीय हूँ और तुम लोग सांसारिक लोग हैं। तो हम मनुष्य संसार से है, हम मनुष्य धरती से है, हम नीचे के हैं। हमारा प्रभु स्वर्ग से आया। हम उद्धार पाने का मुख्य हेतु हम हमारा मसीह को पहचान किया, हमारे मसीह को हम ग्रहण किया। हम क्या ग्रहण किया? हमारा प्रभु स्वर्ग से आया। हमारा प्रभु स्वर्गीय पिता से आया और पिता के ओर से आया। और यहूदी इसलिए प्रभु को ठिकारा और इनकार नहीं किया, इसलिए प्रभु यहाँ कहते, तुम तुम्हारे पापों में मरोगे। प्यारो, हम हमारे मसीह का पहचान से हमारी पापों की मुक्ति मिला है। हम यूहन्ना के सुसमाचार 17 अध्याय में भी पढ़ते हैं कि पिता पुत्र को भेजा और पुत्र कौन है, ये जानकारी जो मिलने वाले सचमुच में उद्धार पाए हैं। यहाँ पढ़ते हैं 17 अध्याय कलम 5 में ऐसा पढ़ते, अब हे पिता, तो अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थे। यहाँ स्पष्ट है प्रभु की महिमा यहाँ आने से पहले पिता की साथ थे, और पिता के साथ जो महिमा पुत्र को थे, वो महिमा छोड़कर प्रभु हम पापियों को बचाने के लिए आया और हम अनंत जीवन पाने के लिए। कलम 3 में पढ़ते हैं 17 अध्याय यूहन्ना के सुसमाचार 17 अध्याय 3 कलम में पढ़ते हैं, अनंत जीवन ये है कि वे तुझे
एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिस तूने भेजा है जाने। यहाँ लिखा है जाने। अनंत जीवन क्या है? पापों की मुक्ति क्या है? पापों से मुक्ति ये है, एकमात्र परमेश्वर को और वो परमेश्वर ने भेजा पुत्र को ग्रहण करने से, उनकी जानकारी लेने से, अपनाने से, विश्वास करने से अनंत जीवन हम प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारो, दुनिया में कितने प्रकार के मेहनत लोग करते हैं, यत्न करते हैं, कितनी विधियाम लोग करते हैं, कितने पूजा पाठ करते हैं, कितने प्रयास करते हैं कि ये जीवन को अपनाने के लिए। प्रभु ने हम स्पष्ट और सरल रीति से कहा, मैं कहाँ से आया, ये जानकारी लेने से और ये जानकारी के ऊपर विश्वास करने से हम हमारे पापों से मुक्त पाते हैं, हम हमारे पापों की क्षमा प्राप्त होते हैं। प्यारो, आज सुबह सरल बात ये है, यीशु मसीह कौन है? वो संसार की ओर से नहीं है, मरियम और योसेफ की ओर से नहीं है, मरियम के पेट से और जन्मा है, गर्भ से आया। ये केवल एक मनुष्य तौर पर आने के लिए आया, लेकिन हम बढ़ते हैं और पिता के ओर से आया। एकमात्र परमेश्वर ने उसको भेजा है, एकमात्र परमेश्वर के साथ उसका महिमा गंभीर महिमा में और अनंतकालीन महिमा में वो जीते थे। उस महिमा के साथ अभी स्वर्ग में विराजमान है हमारा प्रभु। प्यारो, आज सुबह हमारी पापों की क्षमा के लिए तीन कार्य यहाँ लिखा है। हमारा प्रभु संसार की ओर से नहीं, स्वर्ग से है। हमारा प्रभु नीचे से नहीं, हमारा प्रभु ऊपर से है। हमारा प्रभु पिता की ओर से आया है, एकमात्र पिता की ओर से आया है। ये जानकारी हमारी पापों की क्षमा और हमारी पापों की उस सजा मृत्यु से हमको पार करके जीवन हम पा सकते हैं। इतना नहीं है, अनंत जीवन हम पा सकते हैं हमारे प्रभु को ग्रहण करने से, मानने से, अपनाने से, विश्वास करने से हम अनंत जीवन पाते हैं। प्यारो, एक साधारण विषय है, लेकिन दुनिया आज भी और बहुतायत मसीह के लोग भी ये नहीं जानते हैं किस प्रकार पापों की मुक्ति मिलेगा, किस प्रकार अनंत जीवन पा सकते हैं। प्यारो, आज सुबह ये संदेश को सुनने के समय आपके हृदय में ये सच्चाई को ग्रहण करने के लिए प्रभु यहूदियों से कहते हैं, तुम तुम्हारे पापों में इसलिए मरते हैं क्योंकि तुम विश्वास नहीं करते हैं मैं पिता की ओर से आया, मैं स्वर्ग की ओर से आया। प्यारो, ये जानकारी मिला हुआ लोगों के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। जो लोगों को अभी तक वो जानकारी नहीं मिला, प्यारो, उस जानकारी आप लीजिए ताकि अपने पापों से मुक्ति पाकर अनंत जीवन पाने के लिए यही एकमात्र उपाय है। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। जय मसीह की।